सामिकम नर्वस कोऑर्डिनेशन में तमाम की तमाम नर्वस एक्टिविटीज जिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे डिपेंड करती हैं दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कॉल्ड नर्व इंपल्स तो उसी नर्व इंपल्स की जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती इसी के रिलेटेड एक एमसीक्यू है तो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ द एमसीक्यू स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व डिपेंड्स ऑन एक्सेप्ट वो कौन सा फैक्टर है जो इन्वॉल्व नहीं होता स्पीड ऑफ कंडक्शन को इनहानस करने में और एक्सेलरेट करने में माइलिनेशन नाम से जाहर है वो न्यूरॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीट की वाइट कलर की कवरिंग होती है उन न्यूरो माइलीटरी न्यूरो हमारे मोटर न्यूरो न्यूरोन होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं इन्हीं माइलिनेटेड पे जो माइलिन है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करती है दो एक्सॉन के दरमियान इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम यही माइलिन शीथ करती है वो जगह एक्सॉन की जहाँ पे माइलिन शीथ कम है या नहीं मौजूद उन्हीं माइक्रोस्कोपिक गैप ऑफ द एक्सॉन को जहाँ पे माइलिन शीथ एबसेंट होती है या कम होती है उन्हें नोड ऑफ रेनवीर कहते हैं वो पॉइंट्स होते हैं एक्जोन की वो साइट्स होती हैं जहाँ पे अबंडेंट सोडियम चैनल्स होते हैं तो वो जो के माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे स्पीड ऑफ कंडक्शन माइलिन की वजह से वो जंप लाइक फैशन में लीप लाइक फैशन में होती है तो याद रखिएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे जो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स है उसे साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन साल्टेटरी सॉल्टेयर से निकला है जिसका मतलब है लीप जंप तो वो न्यूरॉन जो कि माइलिनेटेड होते हैं उन पे जब एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा होता है तो ऐसे ही है जैसे वो लीपिंग कर रहा है इसको एक मसाल से हम समझते हैं वो बच्चा जो दी रोप कर रहा है फ्लोर के ऊपर फ्लोर जो है वो न्यूरॉन का एक्सॉन है और वो बेबी जो दी रोप कर रहा है वो चाइल्ड जो है वो एक्शन पोटेंशियल है

उन्हें नोडा ऑफ रेनवीर कहते हैं तो नोडा ऑफ रेनवीर की वजह से मायलिनेटेड फाइबर पे जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो एनहांस हो जाती है तो याद रखिएगा जितने भी मायलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं स्पेशली सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स इनको टाइप ए फाइबर्स कहते हैं तो जो टाइप ए फाइबर्स होती हैं ये बड़ी फास्ट नर्व इंपल्स को कंडक्ट करती हैं डायनट्रोफिकॉन तो डायमीटर ऑफ एग्जॉन भी इन्वॉल्व होता है स्पीड ऑफ़ कंडक्शन को एनहांस करने में जिस जिस न्यूरॉन का डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से सोडियम चैनल्स की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो जितने ज़्यादा सोडियम चैनल्स होंगे एग्जॉन्स की लेंथ पे उतना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जो है वो ना सिर्फ जनरेट होगा कंडक्ट होगा प्रोपागेट होगा तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन जो है वो ही चूंकि पोलराइज स्टेट को रिवर्स करके एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है तो मोर सोडियम चैनल्स ऑफ द एक्सॉन मोर इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड मोर इनफ्लक्स ऑफ सोडियम मोर डीपोलराइजेशन एंड व्हाट इज नर्व इंपल्स इट इज अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन दैट इज फॉलोड बाय अ वेव ऑफ तो डायमीटर ऑफ एक्सॉन इंक्रीज होने से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से एक्शन पोटेंशियल एनहांस और फास्ट कंडक्ट होगा थिकनेस ऑफ एक्सॉन वो जिन पे शिवॉन सेल्स की लेयर्स और अलीगोडेंड्रोसाइड की लेयर्स की रैपिंग जो है जितनी ज्यादा होती हैं वो न्यूरॉन उतना ही स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स को एनहांस करता है तो यहाँ पे जो फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है वो है एक्सॉन टर्मिनल्स तो एग्जॉन टर्मिनल्स जो होती हैं ये वो एंड होती हैं एक्जॉन के जिन्हें नर्व एंडिंग्स भी कहते हैं एग्जॉन बल्ब भी कहते हैं एग्जॉन बटन भी कहते हैं ये वो एंड्स होते हैं जो नेक्स्ट न्यूरॉन या नेक्स्ट किसी सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं और यही वो एंड पॉइंट होता है जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो टर्मिनेट होता है और यहाँ से फिर साइन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट न्यूरॉन पर कंडक्ट होता है तो यहाँ पे सूटेबल आंसर है टर्मिनल terminal. होते हैं किसी भी न्यूरोन के वो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को एनहांस नहीं करते तो इट्स ऑल अबाउट स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स